जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 सत्तर मोदी मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बोल रहे सर बोल रहे बैठे हमारे साथी आए बिजली बोर्ड से बता रहे अभी कर्मचारी कोई वहाँ बैठा है कोई यहाँ बैठा है ये सबको हमारी मांग जो है 24 मई को जो समझौता हरियाणा सरकार के साथ हुआ था वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। हाँ जी बताओ बताओ। सबसे पहली मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी पूर्ण रूप से समाप्त करना, ये तो मेन मांगे थी हमारी। जो छोटी मोटी मांगे थी वो उन्होंने मांग ली, लेकिन जो मेन मांगे थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई। अभी कितने दिन की हड़ताल पर बैठे हैं? ये सांकेतिक हड़ताल है 3 दिन की। अगर इसके बीच में अगर हमारा फैसला नहीं होता है, समझौता नहीं होता हरियाणा सरकार के साथ में, तो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल चलेगी। इससे शहर में बुरा हाल हुआ पड़ा है। हर मोहल्ले में गंदगी के ढेर हैं, बाजार में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। ऐसा लगता है ये तो हर रोज आए दिन का काम हो गया सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पे बैठना। आज तो हड़ताल है लेकिन आप आम दिनों में भी आके देखो, हर मोहल्ले में बुरा हाल है। सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर हरियाणा का सर्वे हो ईमानदारी से तो रेवाड़ी मेरे ख्याल सबसे पहले नंबर पे आए अपना ये गंदगी के मामले में।